वेरी गुड वेरी गुड। फातिमा भी कर रही है, फातिमा भी बहुत अच्छा कर रही है। वेरी गुड फातिमा, वेरी गुड फातिमा। इधर आना, इधर आना, अपने बाल तो दिखाओ। ऐसे एक कान से ना थोड़ा सा पीछे रखा करो बाल, ऐसे कितनी प्यारी ब्यूटीफुल लगती है। इधर मुँह करना, सीधी खड़ी हो। कटिंग बहुत सूट की है फातिमा पे, है ना फातिमा, मेरी बेटी पे बहुत सूट की कटिंग। हाँ जी, ओहो ओहो, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुमामीन। तो आज मैं आई थी ग्रोसरी करने, तो मैंने सोचा आज मैं डिटेल से ग्रोसरी की वीडियो बनाऊंगी। तो आज काफ़ी लंबी होने वाली है मेरी वीडियो, क्योंकि हर चीज़ के बारे में मैं डिटेल से वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पर मैं एप्पल ले रही थी, काफ़ी टाइप के यहाँ पर एप्पल लगे थे, डिफरेंट कंट्रीज़ के, साथ में लिखा होता है ये इस कंट्री के, ये इस कंट्री के। तो हम तो ये देखते हैं कि हमें अच्छे भी मिल जाए और सस्ते भी मिल जाए, जो चीज़ जैसे मिले हम वही लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एप्पल ले रही थी। मेरे जो थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे कहते हैं कि आप यहाँ पर लंबी वीडियो बनाया करें, तो इसलिए आज उन सब की फरमाइश पे आज मैं लंबी वाली वीडियो बना रही हूँ। अल्फाज इधर उधर हो जाते हैं, उसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे मैं सब्ज़ियाँ भी देख रही थी, इतने अच्छे से इन्होंने पैक करके रखी होती हैं यहाँ पे सब्ज़ियाँ। सब्ज़ियों के कलर्स इतने अट्रैक्ट करते हैं, स्पेशली ये शिमला मिर्च, ग्रीन, येलो और रेड, है ना फातिमा? मेरी फेवरेट येलो वाली है। हाँ जी, हमने ये ली थी क्योंकि फातिमा के लिए मैक्रोनी बनाती हूँ मैं इससे, है ना फातिमा? आपको पसंद है ना? आपको पता है ग्रीन एप्पल भी होते हैं, येलो एप्पल भी होते हैं, मेरी मम्मा ने आपको वीडियो में दिखाए होंगे, है ना? यहाँ पे हम हरी मिर्च देख रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी हरी मिर्च ये तो मैंने पहली दफा देखी थी, इतनी बड़ी बड़ी। तो पता नहीं ये इतनी कड़वी होती कि नहीं जैसे बाकी हमारी मिर्ची होती है छोटी वाली। तो ये भी मेरे ख्याल से कोई बनाता ही होगा, या इसकी सब्ज़ी बनती होगी, या कोई चटनियाँ वगैरह बनाते होंगे। और ये भी कुछ था, पता नहीं कोई अरेबिक डिश थी, कोई कंडीश। और ये जैम थी, ये प्योर जैम बना के रखते हैं, ये मैंगो जैम, स्ट्रॉबेरी जैम, ब्लूबेरी जैम, और इसके अलावा ये है अरेबिक्स का अचार। ये देखने से इतना फीका सा लग रहा है, पता नहीं टेस्ट में कैसा होगा, हमने कभी टेस्ट नहीं किया, हमारा तो काफ़ी खट्टा और मिर्ची वाला होता है। आपने खाया हुआ पहले? नहीं। तो फिर क्या पता इनका ज़्यादा अच्छा हो, गंदा होगा, ऐसे नहीं कहते खाने वाली चीज़ को। उसके अलावा ये ऑलिव्स थे ब्लैक कलर के, ये मैं एज अ सलाद के तौर पे खाती होती थी, इतने मज़े के लगते थे मुझे। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी ना, तो तब उस्मान ने मुझे ये खिलाए थे और मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, लेकिन खा खा के फिर आदत हो गई, अब मुझे अच्छे लगते हैं रोटी के साथ, सालन के साथ ब्लैक ऑलिव्स। और ये शहद थे, शहद की भी काफ़ी किस्में थी यहाँ पे, और यहाँ मुझे यहाँ आके पता चला कि वाइट कलर का शहद भी होता है, फर्स्ट टाइम मैंने देखा था यहाँ पे। काफ़ी टाइप के यहाँ पे शहद थे, येलो, ब्राउन, डार्क ब्राउन, इन इवन के ब्लैक कलर में भी यहाँ पे शहद था, है ना मोहम्मद? हाँ जी। और फ्रेंड्स पता नहीं इनके टेस्ट पता नहीं डिफरेंट होते हैं कि सेम होते हैं, ये नहीं पता हमें, क्योंकि हमने तो एक दो जो भी शहद ट्राई किए हैं उनके तो सेम ही होते हैं टेस्ट। अपनी तरफ से मैंने पूरे व्लॉग की वॉइस ओवर कर ली है, और जब कर ली है मैंने कहा चलें डन हो गया, और अब देखा तो मैंने रिकॉर्डिंग ही स्टार्ट नहीं की, अब फिर दोबारा से स्टार्ट करने लगी, इतनी मुश्किल से, इतना ज़्यादा बोला था मैंने। बहरहाल यहाँ पे केक्स के भी मिक्सचर पड़े थे, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, चॉकलेट, हर तरह के। इसमें तो बस आप एक अंडा डालो और ये दूध डालो तो इसका मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो जाता है, फिर उसे बेक कर लो और आपका केक तैयार है। इवन के यहाँ पे पैन केक्स, बिस्किट्स, कपकेक्स, इन सब के भी इस तरह से मिक्सचर पड़े थे, और ये भी इसी तरह बनते हैं, अंडा और दूध डाल लेते हैं ऊपर से। के तो हैदरती में भी कहते हैं ना। अच्छा जी, फिर हमने वहाँ से लिया था पैन केक्स का पैकेट लिया था, मैंने कहा चलें घर जाके ट्राई करूँगी। तो ये स्टारबक्स की टॉफ़ी कह रही हूँ, हर दफ़ा ना ये मैं उठाती हूँ प्राइस देख के वापस रख देती हूँ, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होती है। किस किस ने स्टारबक्स की टॉफ़ी पी है, टेस्ट कैसा होता है मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी मम्मा को पता ही क्या हो गया, बोलती है फिर छुलू छिलगा देती है। मेरी मम्मा स्टारबक की कॉफ़ी को टॉफ़ी कही जा रही है, कितनी बार बोल लिया है।
अच्छा यहाँ पे ना मैं जब से आई हूँ ना, मुझे चाय इतनी पसंद है, लेकिन जब से मैं आई हूँ ना यहाँ पे मैंने चाय नहीं पी, क्योंकि यहाँ के दूध की चाय मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। जब जब आती हूँ ना यहाँ पे मैं चाय नहीं पीती, कॉफ़ी पी लेती हूँ, वो भी जो यहाँ पे पीने वाला दूध मिलता है ना उसकी कॉफ़ी बना के। तो यहाँ पे मैंने कॉफ़ी के सशे ले लिए थे कि कॉफ़ी बनाऊँगी। यहाँ पे बच्चों के लिए चॉकलेट्स वगैरह देख रही थी, ये चॉकलेट तो नहीं थी, उसके अलावा घर के लिए मैगी भी लेनी थी। पहले ना ये बहुत, लास्ट टाइम में आई थी ना ये पैकेट डबल होता था, इतना बड़ा था और 14 रियाल का था, अब उन्होंने बिल्कुल हाफ कर दिया ये पैकेट और 17 रियाल का, शायद 18 रियाल। यहाँ पे मैं इतनी डिटेल से आपको अपनी ग्रोसरी दिखा रही हूँ कि घर जाके मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे मैं मायोनीज़ देख रही थी, मायोनीज़ में भी यहाँ पे काफ़ी टाइप्स हैं। तो हम मोहम्मद खाता है ये वाली मायोनीज़, है ना, मोहम्मद की फेवरेट है, फ्राइज के साथ खाता है मोहम्मद। इसके अलावा मैक्रोनी, इसके हम रशियन सैलड में भी ऐड करते हैं मैक्रोनी, और चिकन मैक्रोनी भी बनाते हैं। अच्छा तो यहाँ पे मैक्रोनी के 2-3 साशे ले लिए थे मैंने, डिफरेंट वो क्या साइज क्या डिज़ाइन के। और यहाँ पे कुछ मसाले भी मैंने लेने थे, मसाले वगैरह भी मैं देख रही थी। यहाँ पे हर तरह के कुछ, यहाँ पे शान वालों के मसाले नहीं होते और ये नेशनल वालों के भी नहीं होते, यहाँ पे मेहरान वालों के होते हैं ज़्यादातर। तो मैंने मेहरान वालों के देखे और तो नहीं देखे मैंने। हाँ जी, मेरी बहन, मेरी मम्मा तो बहन जैसी फैशन आती पियोगी, लिपस्टिक लगा के फिल्मी लोग बना लिए। अच्छा ये देखिए, ये पापड़ थे लहसुन के, पता नहीं कौन खाता होगा लहसुन की, तो वैसे स्मेल मुझे इरिटेट करती है। तो बस अपने अपना शौक होता है, अपनी अपनी चॉइस होती है सबकी। मुझे तो उल्टी आती है। ये भी ऑलिव्स, ये मैं लास्ट टाइम पिज़्ज़ा बनाती थी घर में, घर मेरा काफ़ी बड़ा था तो फिर मैंने ये ऑलिव्स लिए थे पिज़्ज़े के लिए। और ये फिशेज इस तरह फ्राई करके इन्होंने रखी होती है, ये भी सलाद के तौर पे ये लोग खाते हैं, पता नहीं कौन से लोग हैं जो फिश को सलाद के तौर पे खाते हैं। छोटी छोटी फ़िश भी थी, बड़ी बड़ी फ़िश भी थी, इस तरह से काफ़ी क्रंची होती है देखने से, मैंने खा के नहीं देखे इसे, मैंने वैसे पुश करके देखा था, काफ़ी वो क्रंची थी। मोहम्मद को ला के दूंगी, ठीक है मोहम्मद? मैं नहीं खाता। क्यों? अच्छा तो यहाँ पे मैं बिरयानी मसाले देख रही थी, बिरयानी मसाले तो ज़्यादा ज़रूरी क्योंकि हमारे घर में हर हफ्ते बिरयानी बनती है, बिरयानी बन के दुकान पे भी जाती है, जुमेरात को हम बनाते हैं हर जुमेरात को बिरयानी। और ये नमक भी, पहले हम ब्लू वाला यूज़ करते हैं, इस दफ़ा मैंने ये देखा क्योंकि उससे थोड़ा कम प्राइस में था तो इसलिए फिर मैंने ये ले लिया। पाकिस्तान की नस्बत तो यहाँ पे बहुत महंगी हैं चीज़ें, वैसे तो पाकिस्तान में भी कोई चीज़ सस्ती नहीं रही, जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान पे, हमारे मुल्क पे रहम करे, आमीन सुआमीन। और यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम देख रही थी एवोकाडो ऑयल भी होता है, और ये पम्पकिन ऑयल भी था, ये कौन सा, ये बादाम का ऑयल तो चलो होता है हमारे पाकिस्तान में, ये डिफरेंट चीज़ों के ऑयल्स बना के इन्होंने रखे हुए थे। पाकिस्तान में ना जिस सिटी में मैं रहती हूँ, हमारा छोटा सा सिटी है, वहाँ पे इतने बड़े बड़े मॉल्स नहीं होते, इसलिए मुझे यहाँ पे ये चीज़ें डिफरेंट ही लगी। मिर्ची का तेल, लेमन का तेल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी, है ना, ये कड़ी पत्ता है, शायद कड़ी पत्ते का तेल है। इतना लंबा व्लॉग है, समझ नहीं आ रही क्या बोलूँ, बस बोली जा रही हूँ जो दिल में आ रहा है बोले जा रही हूँ। और यहाँ पे प्याज का भी तेल था, है ना मोहम्मद? ये पता नहीं किसका तेल था, प्याज का भी तेल था, लहसुन का भी तेल था, ये पता नहीं कुकिंग ऑयल में यूज़ होते हैं कि सलाद पे डाल के खाते हैं, ये नहीं मुझे पता। उसके अलावा बच्चों के फेवरेट सेक्शन में आ गए हम, है ना, नूडल्स। मैं ये लेती हूँ चिकन कड़ी नूडल्स, इसमें ये होता है, इसमें एक ऑयल सा भी होता है, बहुत उसका ना अच्छा फ्लेवर आता है नूडल्स में। ये कोरियन नूडल्स एक दफ़ा हमने पाकिस्तान में लिए थे, है ना मोहम्मद? कोरियन नूडल्स 500 रुपये का एक पैकेट था, वो हमने लिया, वो हमसे एक एक चम्मच भी नहीं खाया गया, है ना। ये किमची था, शायद किमची फ्लेवर था। यहाँ पे ये वाले हम राइस लेते हैं,
आपको पता है हमने ना एक छोटा सा ना एक छोटी सी जगह भी देखी थी, वहाँ पे चॉकलेट पड़ी हुई थी, मैं हम उनको चॉकलेट गांव कह रहे थे। हाँ जी, यहाँ पे मैंने पहले 5 kg का लिया, फिर 10 kg का ये पैकेट ले लिया चावलों का। टैंग भी देख रही थी, टैंग भी यहाँ पे मैंने ऑरेंज फ्लेवर में, टैंग जो है ना वो मेरा फेवरेट है। जो पाकिस्तान में टैंग मिलता है ना उसमें ज़रा ज़्यादा खटास होती है, जो यहाँ पे टैंग मिलता है ना वो कम खटास होता है। तो ये भी मैगी टाइप की कोई चीज़ थी। उसके अलावा यहाँ पे हम लेते हैं मक्खन, इतनी टाइप के मक्खन पड़े थे, मुझे नहीं पता था कौन सा लूँ, क्योंकि हर दफ़ा उस्मान साथ आते हैं, हम रोटी के ऊपर मक्खन लगा के खाते हैं, तो इस दफ़ा मुझे पता नहीं चल रहा था क्योंकि उस्मान साथ नहीं थे। तो मैं देख रही थी कौन से वाला मक्खन है जो हम लेते हैं। तो यहाँ ज़ाहिर है यहाँ पे वो ओरिजिनल मक्खन तो नहीं होगा जो हमारे पाकिस्तान में हम मलाई से निकालते हैं मक्खन। बहरहाल अच्छा था, जैसा भी है अच्छा है। और फ्रेंड मम्मा ने हमें फिजूल में बुला दिया था चॉकलेट गाँव से निकाल के। हाँ जी, और मोहम्मद फातिमा यहाँ मॉल में खेल रहे थे, साथ साथ मैं ग्रोसरी कर रही थी, साथ साथ मैं इनको ढूंढ रही थी, कितनी मुश्किल हुई थी मुझे, है ना। हम इधर उधर भागी जा रहे थे, फिर एक हाथ में मोबाइल पकड़ा था, एक हाथ से चीज़ें उठा रही थी, और फिर इन्हें भी ढूंढ रही थी, ट्रॉली भी पकड़ी हुई थी, कितना मुश्किल होता है मैनेज करना। बस काफ़ी टाइम देखने के बाद फिर मैंने उस्मान को कॉल किया, उस्मान ने मुझे बताया कि हाँ जी ये वाला मक्खन है, तो फिर मैंने मक्खन भी ले लिया। और उसके अलावा फिर हमने देख रही थी, मैंने कहा आपको दिखाती हूँ कि कटी हुई सब्जियाँ यहाँ पे पैक मिलती हैं, फ्रोज़न भी मिलती हैं और इस तरह से भी मिलती हैं। ये वो गोभी थी और तोरी थी और गाजर थी शायद, और पता नहीं क्या चीज़ें थी। बोले फ्रेंड्स, मेरी मम्मा ना जब हमें ढूंढ ली थी ना, हम अपने चॉकलेट गाँव में खेल रहे थे, इधर उधर घूम हुए थे, साथ में हमें ढूंढ कम लगी थी, चीज़ें ज़्यादा देख ली थी। हाँ जी, यहाँ पे ये पड़ी हुई थी कॉर्न भी, जो हमारे पाकिस्तान में 10-20 रुपए में मिल जाती है, यहाँ पे 10 रियाल में एक दे रहे थे। ये पता नहीं कौन सा फ्रूट था, इस तरह लग रहा था जैसे सांप की स्किन होती है, पकड़ते हुए भी मुझे डर लग रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता ये जैसे माल्टे होते हैं ना, ऐसी कोई चीज़ें थी बिल्कुल मिनी मिनी, मुझे पहले लगा शायद ये टमाटर है, लेकिन टमाटर नहीं थे, ये कुछ और ही था, ये भी नहीं मुझे पता था। ये वाले टमाटर मेरे घर में लगते थे, छोटे वाले, पता नहीं नहीं क्या कहते हैं, मुझे नाम भूल गया। और ये भी पता नहीं कौन सा फ्रूट है ना, ये वो खाइए, लीची जैसा, लीची जैसा है। हाँ जी, लेकिन इसके ऊपर बाल है, लीची के ऊपर बाल नहीं होते, ये तो कीवी थी। और ये वाला भी पता नहीं कौन सा फ्रूट था, ये भी नहीं मुझे समझ लगी, पता नहीं ये कौन सा जैसा था। हाँ जी, लहसुन जैसा है। इसके अलावा ये एवोकाडो मुझे पसंद नहीं था, लास्ट टाइम मैं आई थी ना एक में लेके गई थी, मैंने इसको खा के देखा था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन जब से मैंने इसका शेक पिया है ना तब से ये मुझे पसंद आ गया, इसका शेक बहुत ही मज़े का बनता है। इस तरह से फ्रूट्स भी उन्होंने काट के रखे हुए थे, और ये सारे फ्रूट्स अंगूर की किस्में थी। बनानास यहाँ पे इतने बड़े बड़े होते हैं ना, एक बनाना ही खा ले तो पाकिस्तान के 3 बनाना खा लो, 4 बनाना खा लो, इतने बराबर होता है ना फातिमा। फातिमा तो यहाँ पे हाफ ही खाती है, सिर्फ पाकिस्तान के बनाना पसंद है ना। हाँ जी, और में से पता है क्या काला काला सा निकलता लाता है। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं फ्रूट्स देख रही थी मजीद, विंडो शॉपिंग करने का भी मज़ा आता है, साथ में ग्रोसरी भी कर रही थी, लेकिन आपको भी चीज़ें दिखा रही थी। यहाँ पे ना बड़ा दिल करता है भर के करेले जो होते हैं ना वो पकाएं, लेकिन यहाँ पे इतने बड़े बड़े करेले मिलते हैं कि उन्हें क्या ही भर के पकाना। इसके अलावा यहाँ मैं आपको अरवी दिखाती हूँ, इतनी बड़ी अरवी माशाल्लाह, ये पता नहीं किस मुल्क की है, क्योंकि यहाँ डिफरेंट कंट्रीज से आती हैं ना सब्ज़ियाँ, तो हर कंट्री के अपने हिसाब से होती है सब्ज़ी काश्त होती है वहाँ पे, हमें तो बस अपने मुल्क का पता है। और यहाँ पे फ्रोज़न फ्रूट्स भी मिल जाते हैं, ये स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और ये मैंगो, लास्ट टाइम हमने ना मैंगोज़ लिए थे ये फ्रोज़न, लेकिन उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट था रियल मैंगो से,
तो ये फ्रोजन चीज़ें जो फ्रूट्स हैं ना, ये तो बिल्कुल भी टेस्टलेस थे। और ये जो सब्जियां होती हैं ना फ्रोजन, ये ठीक होती हैं, ये मैं पकाती रहती हूँ घर जाके। कभी भी यहाँ से ला के मैंने मटर नहीं निकाले, गाजर नहीं काटी, हमेशा यहाँ से ऐसे फ्रोजन पैकेट ले जाती हूँ और घर जाके बना लेती हूँ। इस तरह बनाना भी ईजी होता है। पाकिस्तान में मटर बनाने होते हैं तो पहले सोचते हैं हम इतने मटर लाएँ, इतने मटर निकालेंगे फिर पकाएँगे। तो वहाँ पे भी मैं जाती हूँ, हमारा छोटा सा सिटी है मॉल में, लेकिन इस तरह से मुझे ये चीज़ें सब्जियाँ वगैरह नहीं मिलती वहाँ पे। तो यहाँ पे हम बनाते हैं आलू मटर वाला पुलाव, उसके लिए मैं ले रही थी यहाँ पे मटर। ये वाले मटर अच्छे होते हैं, लास्ट टाइम मैंने और कंपनी के लिए थे, वो वाले मीठे निकले थे। यहाँ पर भी ज़ाहिर हर तरह की वैरायटी है, अपनी हर कंपनी का अपना टेस्ट होता है। यहाँ पे बच्चों के लिए ले रही थी फ्राइज, है ना। हाँ, मोहम्मद आदि रात को 3 बजे फ्राइज खाता है, फिर इसे रात को 3 बजे मैं फ्राइज बना के देती हूँ। फ्रेंड्स, आपको पता है आपने ना बारीक बारीक ABC लिखी हुई थी, मेरी बहन ना हम दोनों उसके ऊपर चले, मेरी बहन ऊपर से नीचे गिर पाई। यहाँ पे बच्चों के लिए बर्गर पैटीज देख रही थी, घर में ही बर्गर बना देते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो है ना पाकिस्तान में होते हैं ना तो खाना बनाती हूँ मैं, कहती हूँ खाना है, खाओ, नहीं खाना फिर भी यही खाओ। जाहिर है वहाँ पे सामान नहीं होते, हस्बैंड नहीं होते जो हमें बाहर ले जाएं रात को दोपहर को। यहाँ पे तो काफ़ी फैसिलिटीज़ है, हस्बैंड पास हैं, इन्हें एक चीज़ नहीं पसंद आती, इनके पास 2-3 ऑप्शन और होते हैं, तो इसलिए यहाँ से सामान ये सारी चीज़ें इनके लिए ले जाते हैं, इनकी फेवरेट। तो यहाँ पे बच्चों की हेल्थ भी अच्छी हो जाती है आकर। यहाँ पे समोसे वगैरह भी सारा कुछ रेडीमेड बना हुआ, हमारे तो पट्टियाँ मिलती हैं ना इस तरह से। पिज़्ज़ा वगैरह भी, इसे ओवन में रखना है 10 मिनट बेक करना और पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है। हर फ्लेवर में यहाँ पे पड़ा हुआ था पिज़्ज़ा भी, तो वैसे मैंने ये कभी ट्राई तो नहीं किया। और यहाँ पे चॉकलेट्स थी, बच्चे बहुत तंग कर रहे थे यहाँ पे, वो क्या कर रहे हैं वो भी आपको दिखाती हूँ। लेना पर कुछ भी नहीं है, ये देखो। अच्छा मैं आपको इसके बाय दिखाऊं, बाय क्या बनाऊंगा बाय। पहले तो आप यहाँ पे देखें, क्या है? चले बेटा चले, बाबा आ जाएंगे। हाँ हाँ, यहाँ आगे मोहम्मद के फेवरेट ओरियो और मेरे भी, मैं भी बड़े शौक से एक ही बिस्किट खाती हूँ, सिर्फ ये ओरियो, और कोई बिस्किट नहीं मुझे पसंद, है ना मोहम्मद। मेरी और मोहम्मद की चॉइस बहुत मिलती है। यहाँ पे ना चॉकलेट्स वगैरह देख रही थी, सोच रही थी लूँ के ना, क्योंकि जितना भी बड़ा पैकेट ले लूँ, जितना भी मर्जी बड़ा डिब्बा ले लूँ, एक दिन में वो शाम तक ख़त्म हो जाना होता है, इसलिए मैं सोच रही थी कोई छोटा सा ही पैकेट ले लेती हूँ, क्योंकि ख़त्म तो इन्होंने कर ही देना है शाम तक। यहाँ पर मैं सीरम देख रही थी, विटामिन सी सीरम, क्योंकि मेरे फेस पर हल्की सी फ्रैकल्स हो रही थी, तो ये बहुत अच्छा बता रहे थे फ्रैकल्स के लिए, तो फिर ये मैंने ले लिया अपने लिए। मैंने सोचा था चले यूज़ करूँगी, अगर इससे कुछ फ़ायदा हुआ तो फिर आपको इसका रिव्यू भी ज़रूर दूँगी मैं। उसके अलावा भी गार्नियर के काफ़ी सीरम थे यहाँ पे, लेकिन मैंने जो आपको दिखाया सिर्फ वही लिया मैंने, इंस्टेंट ग्लो विटामिन सी सीरम क्रीम थी ये, विटामिन सी सीरम वाली। तो जी ऑलमोस्ट मेरी सारी ग्रोसरी हो चुकी है। यहाँ पे शैम्पू वगैरह देख रही थी, लेकिन वो मैंने लिए नहीं क्योंकि घर में मौजूद थे, उस्मान ने काफ़ी स्टॉक ला के रखा हुआ है शैम्पू का, है ना फातिमा? हाँ जी। उसके बाद हम आ गए ये सीरीलैक वाले सेशन में, यहाँ पे लिक्विड सीरीलैक भी पड़ा हुआ था, हर फ्लेवर में था। जब मोहम्मद और फातिमा छोटे थे ना, इनके लिए सीरीलैक लाती थी मैं, तो जितना ये खाते थे इतना मैं भी खाती थी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद होता था सीरीलैक। मोहम्मद पता आपका सीरीलैक मैं भी खा जाती होती थी। उसके अलावा ये डिब्बे मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, बॉक्स 7 बॉक्स थे इसमें या 8 थे, डिफरेंट कलर्स थे, रेनबो कलर्स अट्रैक्ट कर रहे थे सारे, लेकिन एक्सपेंसिव दे रहे थे इसलिए इसे भी मैंने स्किप कर दिया। उसके अलावा ये लीमू निचोड़ने के लिए मैंने लिया है, और इससे मेरे ख्याल से ऑरेंज जूस भी हम निकाल ही सकते हैं, इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी मैंने एक लिया था फातिमा की पसंद से, कौन सा कलर लिया था फातिमा? येलो, येलो कलर, फातिमा का फेवरेट कलर येलो है, तो येलो हमने लिया।
उसके अलावा मुझे झाड़ू भी लेना था। झाड़ू देख रही थी, जैसे पाकिस्तान में स्टिक वाला झाड़ू मिलता है ना, वो तो यहाँ पे कहीं भी नहीं मिला। ये ब्रश मिल रहे थे लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव थे, इसलिए इसे भी मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि किसी और मार्केट से देखूँगी। ये फेरी लेते हैं हम, इससे बर्तन धोती हूँ मैं यहाँ पर। पाकिस्तान में तो नहीं लेती, पाकिस्तान में बहुत एक्सपेंसिव होती है वहाँ पे, तो ये मैक्स सोप ही हम यूज़ करते हैं, लेमन मैक्स ज़्यादातर। यहाँ पे तो सर्फ के अलावा इतनी प्यारी प्यारी वैरायटीज़ होती हैं, मतलब खुशबू के लिए आप किसी भी तरह की खुशबू ले सकते हो। सर्फ के साथ मशीन में डाल दो और कपड़ों से वैसी खुशबू आने लग जाती है, लेकिन हम नहीं लेते ये, है ना, हमारे लिए सर्फ ही बहुत है। हाँ जी। इसके अलावा ये मैंने सोचा है कि इस तरह के बैग्स ना मैं पाकिस्तान में लेके जाऊंगी, तो परचेज करेंगे हम ये भी, लेकिन पाकिस्तान जाने से कुछ दिन पहले। ये मोहम्मद के लिए कोई स्विमिंग पूल देख रही थी मैं, गर्मियों का जुगाड़, तो काफ़ी देखे, पसंद भी आए, लेकिन लेंगे पाकिस्तान जाने से पहले। बहुत प्यारे प्यारे लगे हुए थे यहाँ पर, बड़ों के लिए भी थे, छोटों के लिए भी थे। मैं लूँगी इतना के जिसमें ना बच्चे ईजीली खेल सकें, दौड़ सकें, खेल सकें। मैंने देखो ये कितना प्यारा बेड बना हुआ था, है ना, लेकिन ये भी 400 रियाल का एक बेड दे रहे थे, इतना एक्सपेंसिव था। हाँ जी, क्या कहा था? मैंने मम्मा को कहा था थ्री लाइंस वाला ले ले, मेरी मम्मा ने दिया ही नहीं, इतना बड़ा था। हाय अल्लाह, इसको तो हम कुछ लेके ही नहीं देते है ना, इतनी चीजें इसने ली। ये भी बहुत प्यारा था मोहम्मद, मुझे ये अच्छा लगा था, ये वाला लेंगे। इन दोनों में से कोई जाते हुए ठीक है? नहीं, इन दोनों में से नहीं, वो ठीक वाला लेंगे, वो बहुत बड़ा है। वो बड़ा नहीं है, वो बस देखने में बड़ा लग रहा था। बच्चों के साथ ग्रोसरी करना ना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे मुझे बेड नज़र आया, मेरा दिल कर रहा था यहीं पे लेट जाऊँ, इतनी थकावट हो गई थी, क्योंकि साथ में व्लॉग भी बना रही थी, वो भी मुश्किल से, एक हाथ से ट्रॉली कैरी की हुई थी, एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था, तो काफ़ी मुश्किल हो रही थी। बच्चे बेचारे अभी बैठे ही थे, तो पीछे से अंकल आए, उन्होंने कहा कि आप उठे जाएँ, है ना फातिमा, आप उठ गई थी फिर। और मेरी फेवरेट चॉकलेट फेरो रोचर, बहुत मज़े की और बहुत एक्सपेंसिव भी होती है ना मोहम्मद। इसके बाबा आए थे ना जब लास्ट टाइम, तो वो मेरे लिए ये गिफ्ट लेके आए थे, मैंने आपको अपने व्लॉग में दिखाया भी था। अब बच्चों के लिए कोई चॉकलेट देख रही थी भाई, बोल बोल के तो मेरी बस हो चुकी है। चलें, थोड़ा सा रह गया, वो भी कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे बेड देख रही थी, बेड शीट्स, इतनी प्यारी प्यारी बेड शीट्स थी, तो लेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान जाने से पहले। यहाँ पे बच्चों के थंबनेल के लिए पिक्चर बना रही थी मैं। फाइनली हमारी ग्रोसरी हो चुकी है, तो अब चलते हैं घर की तरफ। यहाँ पे जब हम वापस जाने लगे, तो ये मुझे मैक्सी इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, सोचा कि चलें ले लेते हैं, सोच लेते हैं इसके बारे में। जब मैं शॉप के अंदर गई, मैंने इसके प्राइस देखे, तो वो इतने हाई थे कि फिर नहीं ली। तकरीबन 500 रियाल की ये मैक्सी थी, मैंने कहा चलें पाकिस्तान जाके ऐसी बनवा लूँगी। काफ़ी यहाँ पर मैक्सियाँ थी और बहुत प्यारी, सिंपल सिंपल थी और बिल्कुल लाइट वेट थी, खूबसूरत लग रही थी। तो जी यहाँ पे मैं कुछ बर्तन भी देख रही थी, इतने प्यारे ये डेकोरेशन पीस लगे हुए थे। तो जैसे मैं शॉप के अंदर गई हूँ डेकोरेशन पीस की वीडियो बनाने के लिए, तो उन्होंने लाइट ऑफ कर दी। तो जल्दी से जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और जो न्यू आने वाले प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बस यहाँ तक थी मेरी वीडियो, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।